Good morning, friend. This is Gaurav Jain. Today I am here to give you the detailed analysis of the CA Final SFM New Course November 2018 exam paper. ठीक है, तो पूरा हम एनालिसिस करने वाले हैं, पूरा डिस्कशन करने वाले हैं, पूरा डिटेल में एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर कि कौन सा पार्ट कहाँ से आया, न्यू क्वेश्चंस कौन से आए हैं, इंस्टीट्यूट ने किस तरह से पूरी कवरेज करी है. तो एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन है, सिर्फ एक चैप्टर उन्होंने छोड़ा है, दिस इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आया. उसके अलावा हर चैप्टर से हमारे पास क्वेश्चन अवेलेबल हैं जो हमारे एग्जाम पेपर में थे. तो बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया पेपर, और उसमें सिंपल क्वेश्चन भी हैं, वहाँ पर ट्रिक वाले क्वेश्चन भी हैं, साथ में वहाँ पर एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है जो नए क्वेश्चन वहाँ पर आए थे. तो पूरा उन्होंने कॉन्सेप्चुअल कवरेज किया है. दिस इज द बेस्ट पार्ट जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नवंबर 2018 के एग्जाम पेपर में. तो दिस इज फॉर न्यू कोर्स. एक बार पूरा एनालिसिस करते हैं. तो देखिए, सबसे पहले कवरेज की बात करते हैं कि कवरेज क्या किया इंस्टीट्यूट ने. बॉन्ड वैल्यूएशन, बॉन्ड वैल्यूएशन से दो क्वेश्चन आए वहाँ पर 16 मार्क्स. और मैं हमेशा बोलता था क्लास में कि बॉन्ड वैल्यूएशन की वेटेज बढ़ेगी न्यू कोर्स में, डेफिनेटली उसकी वेटेज बढ़ेगी. दो क्वेश्चन वहाँ से थे बॉन्ड वैल्यूएशन से, एक बॉन्ड डिफंडिंग का क्वेश्चन था और एक बॉन्ड इम्यूनाइजेशन का क्वेश्चन था. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन फॉरेक्स. फॉरेक्स एक्स यूजुअल तीन क्वेश्चन आते ही हैं वहाँ पर, कम से कम 24 मार्क्स का उन्होंने वहाँ पर कवरेज किया. साथ में इक्विटी मर्जर एक्विजिशन, इक्विटी मर्जर एक्विजिशन से आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन क्वेश्चन आपके पास हैं 32 मार्क्स के. एक क्वेश्चन सिक्योरिटी वैल्यूएशन से, एक क्वेश्चन कॉर्पोरेट वैल्यूएशन से, और एक क्वेश्चन मर्जर एंड एक्विजिशन से. तो पूरा इक्विटी का स्लॉट उन्होंने कवर किया और 32 मार्क्स का था. साथ में पोर्टफोलियो से एक क्वेश्चन आया एज यूजुअल, एक से दो क्वेश्चन ही एक्सपेक्टेड रहते हैं वहाँ से. म्यूचुअल फंड से एक क्वेश्चन है, डेरिवेटिव ऑप्शन से एक क्वेश्चन आया आपके पास, दिस इज फ्रॉम ऑप्शंस. एंड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव से भी एक क्वेश्चन आया 8 मार्क्स का, इजी क्वेश्चन था. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पर न्यू कोर्स में आपको थ्योरी डेफिनेटली करनी होती है, कंपलसरी पार्ट टेक्निकली मैं मान सकता हूँ वहाँ पर. तो 12 मार्क्स की थ्योरी तो डेफिनेटली आपको अटेंड करनी करनी थी, और जिसने क्वेश्चन नंबर 6 को स्किप किया है तो उसको तो 16 मार्क्स की अटेम्प्ट करनी थी. ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि न्यू कोर्स में डेफिनेटली आपको थ्योरी करके जानी है. तो ये एक बार ये ध्यान से समझना कि ये जो एनालिसिस है, दिस इज़ फॉर कि जिन्होंने एग्जाम दिया है वो तो ठीक है दे ही सकते हैं, वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, बट दिस इज़ द एनालिसिस फॉर द फ्यूचर स्टूडेंट जो फ्यूचर न्यू कोर्स में वहाँ पर अटेम्प्ट करने वाले हैं मई 19 में या नवंबर 19 में या 2020 में. ठीक है, तो बहुत अच्छे से एनालिसिस देख लें. कवरेज की बात करूँ तो पूरा मैंने कॉन्सेप्चुअल कवरेज यहाँ पर किया था. पूरा जो एग्ज़ाम पेपर आया है दिस इज़ फ्रॉम ICA मटीरियल. अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, दो क्वेश्चन हैं जो नए आए हैं और उनका कॉन्सेप्ट भी हमने क्लास में क्या किया था, कवर किया था. ठीक है, तो अगर मैं कॉन्सेप्चुअल कवरेज की बात करूं तो पूरा 100% आया है. और सेकंड आपके पास दो क्वेश्चन नए आए हैं और उसका कॉन्सेप्ट भी हमारे पास कवर था. ठीक है, तो जो हमारे स्टूडेंट थे उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया होगा. पूरा कवरेज यहाँ पर है, सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ICA के मटेरियल से हैं, सिर्फ दो क्वेश्चन हैं वो मिक्स हैं बेसिकली. ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन पूरा डिस्कशन कर लेते हैं. तो ये आपके 120 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन की आपके पास चॉइस थी कि आप उसको छोड़ सकते हैं. क्वेश्चन वन इज कंपलसरी. तो देखिए एक बार, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं एक बार. तो ये हमारा नवंबर 2018 न्यू कोर्स का SFM का पेपर एनालिसिस है पूरा. और देखिए क्वेश्चन नंबर वन जो था, दिस इज फ्रॉम द बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन. कहाँ से था? बॉन्ड रिफंडिंग. ठीक है, तो बॉन्ड रिफंडिंग डिसीजन का क्वेश्चन था और बहुत सिंपल क्वेश्चन था. पहले भी हम कई बार कर चुके हैं और एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है. एंड दिस इज ऑफ 8 मार्क्स कंपलसरी में. ठीक है, तो बॉन्ड रिफंडिंग का क्वेश्चन था, सिंपल हमारी बुक से था, इंस्टीट्यूट के मटेरियल से था. दिस इज क्वेश्चन नंबर 31B और पेज नंबर 10.23. दिस इज पेज नंबर फ्रॉम अवर बुक और क्वेश्चन नंबर भी हमारी बुक का ही है. ठीक है, उसके अलावा आपके पास बी पार्ट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था. अगर आप इंपॉर्टेंट की लिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड में था. और मैंने क्लास में भी बहुत क्लियरली बोला था कि ये क्वेश्चन नया ऐड हुआ है, सप्लीमेंट के थ्रू ऐड हुआ है और आपके प्रैक्टिस मैनुअल में आया है और डेफिनेटली आने का चांस है. बट ओल्ड में भी था, बट यहाँ पर सिर्फ वो न्यू में ही उन्होंने पूछा क्वेश्चन ये. और दिस इज़ फ्रॉम अवर बुक 37A पेज नंबर 8.4 और जो इंस्टीट्यूट के मटीरियल में भी कवर्ड है. ठीक है, तो 8+8 16 मार्क्स एंड साथ में थ्योरी, एंजल इन्वेस्टर्स थ्योरी में कवर्ड दे हमारा 4 मार्क्स का. तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी पूरा आपके पास ऑलरेडी किया हुआ था, आपके नोट्स में था,
अच्छे से कवर्ड था, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2A, 2A आपके पास देख लीजिए, दिस इज फ्रॉम सिक्योरिटी वैल्यूएशन क्वेश्चन नंबर 2A, और ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और थोड़ी सी इसमें एम्बिग्यूटी भी है कि वहाँ पर जो EPS को लेके एम्बिग्यूटी है, ठीक है। तो दिस इज एक्सपेक्टेड अर्निंग और दिस इज पास्ट ईयर अर्निंग, EPS 0 या EPS 1 का यहाँ पर एम्बिग्यूटी है, ठीक है। तो ICI ने EPS 1 ही लिया हुआ है, क्लास में भी हमने EPS 1 लेके ही किया हुआ है। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम सिक्योरिटी वैल्यूएशन, क्वेश्चन नंबर 2A, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, पेज नंबर 2.9, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की लिस्ट में था पोर्टफोलियो में, और दिस इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेट्स, वेट्स के ऊपर पूरा फोकस था यहाँ पर आपके पास, एंड दिस इज रिलेटेड टू शॉर्ट सेल, अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन क्लास में कवर्ड है, जो हमने किया अपने नोट्स में, शॉर्ट सेल के ऊपर क्वेश्चन था और यहाँ पर हमें वेट्स कैलकुलेट करने थे, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन, पेज नंबर 11.36, क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, 23। तो देख लीजिए आपके पास साथ में, आपके पास व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न प्रीमियम ऑफ फैक्टर टू, ये भी पूछा उन्होंने, तो वो हमने कैलकुलेट कर लिया। लास्ट में आपके पास थ्योरी का भी एक क्वेश्चन है, प्राइमरी पार्टिसिपेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, तो बहुत अच्छे से हमने इसको थ्योरी में कवर किया हुआ था, ठीक है। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3A, 3A आपके पास क्वेश्चन था म्यूचुअल फंड का, जो कम से कम 4 बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4A, पेज 5.6। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शन, पहले भी आ चुका है, पीएम का क्वेश्चन है, आपके प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1C, पेज 7.5, ये हमारी बुक का है पेज क्वेश्चन। तो ऑलरेडी पूरा कवर था हमारे मटेरियल में, हाउ डिफरेंट स्टेक होल्डर व्यू द फाइनेंशियल रिस्क, दिस इज फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी पार्ट से है, 4 मार्क्स। नाउ द मर्जर एक्विजिशन क्वेश्चन, ऑलरेडी पहले एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट हो रहा है, देख लीजिए, इजी पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, पेज 4.15 पे आप चेक कर सकते हैं मेरी बुक से। तो दिस इज TK लिमिटेड, SK लिमिटेड, आपके पास सिंपल आपको नेट कंसिडरेशन पेबल कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ शेयर्स, EPS आफ्टर मर्जर, MPS आफ्टर मर्जर, और यहाँ पर भी एक छोटा सा थ्योरी का पॉइंट उन्होंने पूछ लिया, स्टेट ब्रीफली द एडवांटेजेस टू TK लिमिटेड फ्रॉम द एक्विजिशन। तो दिस इज द क्वेश्चन 3A एंड मर्जर एक्विजिशन, और मार्क्स कितने का है, 12 मार्क्स का है, तो बहुत इजीली आप ये फेच कर सकते थे। अब यहां पर एक नया क्वेश्चन है फॉरेक्स का, तो मैं एक बार पढ़ देता हूं, लोगों को शायद याद आ जाए जो हमारे स्टूडेंट हैं। तो दिस इज द कंपनी नीड्स डॉलर फंड फॉर द 6 मंथ्स, डिटरमाइन वेदर द कंपनी शुड बोरो इन डॉलर और रुपीज। मेरे बुक में ये जो क्वेश्चन है सेम सिमिलर क्वेश्चन है 29A, एंड दिस इज ऑन पेज नंबर 8.29। न्यू क्वेश्चन लोगों ने बोला है कि न्यू क्वेश्चन है, बट ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो वहां पर मैंने 3 करेंसीज के साथ किया था कि वी हैव टू बोरो फ्रॉम इंडिया, बोरो फ्रॉम US और बोरो फ्रॉम जैपनीज येन, ठीक है, बोरो फ्रॉम जापान, ठीक है। तो वो हमने वहां पर कवरेज किया हुआ था, इस तरह का पार्ट हमने किया हुआ था। तो फर्स्ट पार्ट में आपको उन्होंने पूछा है कि कहां से बोरो करें, ठीक है। सेकंड पार्ट में उन्होंने जो पूछा है, दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम फ्रा, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट, इसकी वीडियो भी मैंने आपसे शेयर की थी, और इसमें सिंपल FRA प्राइसिंग के बारे में उन्होंने बात की है, ठीक है। FRA प्राइसिंग में सिंपली हमें क्या कैलकुलेट करना है, 3 मंथ्स फॉरवर्ड रेट, 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ, तो वो हमें FRA प्राइसिंग करना है, FRA का रेट कैलकुलेट करना है, और इस तरह का पार्ट हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी कवर्ड है ये, तो मिक्स करके उन्होंने क्वेश्चन बनाया, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, तो काफ़ी लोगों ने कहा दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, बट आई थिंक अगर क्लास में अगर आपने अच्छे से नोट्स किए हुए हैं तो ईजिली आप ये क्वेश्चन भी क्रैक कर सकते थे। FRA प्लस साथ में फॉरेक्स का उन्होंने पूछा कि कहाँ से बोरिंग करनी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज अ ओल्ड क्वेश्चन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6C हमारी बुक का, दिस इज ऑन पेज नंबर 3.11। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू FCFF एंड FCFE, आप देख सकते हैं वहाँ पर, आप चेक कर सकते हैं FCFF और FCFE के कॉन्सेप्ट के साथ ये हमने किया हुआ है। दिस इज क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 5A, ठीक है, और ऑलरेडी हमारी क्लास नोट्स में कवर्ड है, ICAI के मटेरियल में कवर्ड है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5B, वेरी सिंपल क्वेश्चन,
ठीक है, 4 मार्क्स में उन्होंने पूछा इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन ये है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फिक्स रेट का बताना है, फिक्स पेमेंट कितनी है, फ्लोटिंग रेट पेमेंट कितनी है, और नेट सेटलमेंट पे आपको कितना वहाँ पर मिलेगा, दोनों माइनस कर देंगे, आंसर आपके सामने है। नाउ वी हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ रीबा, कई बार डिस्कस कर चुके हैं क्लास में। नाउ द लास्ट वन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6A, दिस इज अ न्यू क्वेश्चन एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑन बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, बॉन्ड वैल्यूएशन के क्वेश्चन है एंड दिस इज फ्रॉम बॉन्ड इम्यूनाइजेशन। ऑलमोस्ट इसी तरह का एग्जाम्पल हम क्लास में कवर कर चुके थे, न्यू कोर्स में भी, ओल्ड कोर्स में भी, दोनों में, क्योंकि इस तरह का पॉइंट पहले भी ICAI ने पूछा हुआ है बॉन्ड इम्यूनाइजेशन पे, बट बहुत सिंपल पूछा हुआ था, अब थोड़ा उन्होंने वहाँ पर थोड़ा डिफिकल्टी वहाँ पर डाल दी है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू ड्यूरेशन एसेट इज इक्वल टू ड्यूरेशन लायबिलिटी, आपको यही करना था, ड्यूरेशन एसेट निकालनी थी, ड्यूरेशन लायबिलिटी देखनी थी, दोनों को इक्वल रख देंगे आपके पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड इम्यूनाइज हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द बॉन्ड इम्यूनाइजेशन, इस तरह का कॉन्सेप्ट हम कर चुके थे, हमारे स्टूडेंट्स ने डेफिनेटली वहाँ पर कुछ ना कुछ वहाँ पर किया होगा, घबराए नहीं होंगे नया क्वेश्चन देख के, क्योंकि इस तरह का कॉन्सेप्ट हम कर चुके थे। ठीक है, तो पहले पार्ट में ड्यूरेशन निकालना था, वो तो ईजिली हम कैलकुलेट कर सकते थे, दिस इज द वेटेड एवरेज ऑफ द टाइम अंटिल अवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट विल बी रिकवर थ्रू इट्स इंटरनल कैश फ्लोज, तो वो निकाल सकते थे ड्यूरेशन। साथ में उन्होंने बॉन्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैज बीन आस्क्ड टू कीप 45% ऑफ द पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर वेट के ऊपर था, एंड दिस इज ड्यूरेशन एसेट इज इक्वल टू ड्यूरेशन लाइबिलिटी करके हम क्या निकाल देंगे, वेट्स निकाल देंगे। हाउ टू कैलकुलेट ड्यूरेशन एसेट, ड्यूरेशन इंटू वेट्स, ड्यूरेशन इंटू वेट्स, एंड ड्यूरेशन लाइबिलिटी हम निकाल देंगे उसमें भी ड्यूरेशन कैलकुलेट करके। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी इन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ पर इज यूज बाय द पोर्टफोलियो टू फंड आउटफ्लो शेड्यूल इन 6 ईयर, तो ड्यूरेशन लायबिलिटी कितनी है आपकी, देख लीजिए 6 ईयर्स है, तो 6 है ड्यूरेशन लायबिलिटी, और उसको किसके बराबर रख देंगे, ड्यूरेशन एसेट्स, और उससे क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपके पास, दिस इज वेट्स ऑफ जो भी पूछ रहा है बी एंड सी। ठीक है, ऑन द सेम ग्राउंड थर्ड पार्ट में भी आपको उसी तरह से मूव करना था। ठीक है, नाउ द लास्ट वन, दिस इज द प्लेन क्वेश्चन ऑन अर्ली डिलीवरी, मैं कई बार बोल चुका था क्योंकि आपके पास कैंसिलेशन आफ्टर एक्सपायरी के ऊपर तो क्वेश्चन कई बार आ चुका था, 3 बार आ चुका था, अर्ली डिलीवरी पे कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था, तो डेफिनेटली ये हमारी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में था और मोस्ट एक्सपेक्टेड की लिस्ट में था, अर्ली डिलीवरी पे क्वेश्चन और अर्ली डिलीवरी का क्वेश्चन आपके पास, दिस इज फ्रॉम ICAI मटीरियल, वहीं से आया है, एंड हमारी बुक का पेज नंबर 8.21 है, क्वेश्चन नंबर 18 है, तो ये आपके पास देख लीजिए पूरा कवरेज है। अगर मैं सिंपल बात करूं, अगर आपको 60 मार्क्स बनाने हैं विदाउट एनी एफर्ट, तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं, 2 घंटे में आप अपने 60 मार्क्स बना सकते थे इजीली। तो मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इजी थे, क्वेश्चन 1 कंपलसरी था बट वहां पर इजी क्वेश्चन ही थे, 8 मार्क्स। अगर मैं थ्योरी को 1 मिनट के लिए स्किप कर दूं, अगर मैं छोड़ भी दूं, तो 8+8=16 मार्क्स आप इजीली बना सकते थे, 8 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, फिर आपके पास बी पार्ट, ये भी ऑलरेडी हमारे क्लास नोट्स में था, तो 32 मार्क्स हो गए आपके, फिर 8 मार्क्स म्यूचुअल फंड का इजीली आप बना सकते थे, साथ में आपके पास 8 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी सिंपल, ए एंड बी दोनों पार्ट इजी थे और आपका थ्योरी पार्ट भी इजी था, तो क्वेश्चन 3 तो पूरा आपका बन जाएगा, देख लीजिए, तो इजली आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीनों आराम से कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 इजली आप कर सकते थे, मर्जर इक्वेशन में ऑलरेडी कवर्ड था, एंड इसका बी पार्ट आप कह सकते हो कि नया क्वेश्चन है, बट जिसने हमारे क्लास नोट्स किए होंगे तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ इस क्वेश्चन में करके आया होगा। तो अगर मैं 1 मिनट के लिए सोच लेता हूँ कि आपने नहीं अटेम्प्ट किया होगा, तो अभी तक आपने देख लीजिए अबाउट 16, 32 एंड दिस इज अगेन 16 मार्क्स, देख लीजिए 48, ठीक है, और ये आपके 12 मार्क्स। ठीक है, तो 60 मार्क्स का आप ऑलरेडी कर चुके हैं इजीली, और ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलरेडी हमारे क्लास नोट्स में है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में है, दोनों जगह है, तो पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इजीली आप कर सकते थे। साथ में 4 मार्क्स का थ्योरी, रीबा का थ्योरी कई बार कर चुके हैं डिस्कस क्लास में, तो अगर ऑप्शन में अगर आपने क्वेश्चन 6 छोड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके 8 मार्क्स में कहीं प्रॉब्लम हो सकती थी, दिस इज ऑफ क्वेश्चन नंबर जो आपका न्यू क्वेश्चन आया था, दिस इज फ्रॉम फॉरेक्स। उसके अलावा न्यू कोर्स में मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर मार्क्स गेन करना डिफिकल्ट था, बहुत ईजली आप अच्छे से 80-85 मार्क्स ईजली आप गेन कर सकते हैं,
इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो फाइनली अगर मैं क्रक्स की बात करूं तो यहाँ पर इजिली हम 70-80 मार्क्स गेन कर सकते थे विदाउट मच एफर्ट, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा दो क्वेश्चंस वहाँ पर डिफिकल्ट थे, एक क्वेश्चन आपका ऑप्शन में छूट जाएगा और एक क्वेश्चन के लिए आपको थोड़े एफर्ट करने थे, वो भी हमने क्लास में कवर किए हुए थे। इजिली आप FRA का कॉन्सेप्ट और इन्वेस्टमेंट बॉरिंग का कॉन्सेप्ट लगा के वहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते थे। साथ में थ्योरी, अगर जिसने थ्योरी बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली उसके 80 प्लस मार्क्स आएंगे ही आएंगे। डेफिनेटली जिसने थ्योरी अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया है, 12 मार्क्स की या 16 मार्क्स की, जैसे भी पूरी अटेम्प्ट किया है तो अच्छे से अटेम्प्ट किया है तो डेफिनेटली ही विल गेट 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट उनके लिए भी जिन्होंने एग्जाम दिया है, और उनके लिए भी ऑल द बेस्ट जिनके एग्जाम्स हैं इन मई 2019 और द नवंबर 2019-20 में, ठीक है। आपके पास एम्पल टाइम है, अच्छे से आप अपने रजिस्टर को या अपने क्लास नोट्स को बहुत अच्छे से करें और डेफिनेटली यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।